देखिए राजद छोड़ करके श्याम रजक अब जदयू में शामिल हो रहे हैं। जदयू की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता है नेता अब से जुटना शुरू हो गए। मंत्री की भी तस्वीरें लगातार रत्नेश सभा भी अभी पहुंचे और जदयू कार्यालय में अभी काफ़ी हलचल है। आरजेडी को छोड़ करके श्याम रजक पार्टी में आप लोग आ रहे हैं जदयू में, कहा जा रहा है कि टिकट के चक्कर में आ रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? श्याम रजक जी का जनता दल यूनाइटेड में स्वागत है, अभिनंदन है। आज उनकी घर वापसी हो रही है और श्याम रजक जी पुराने समाजवादी नेता हैं और समाजवादी विचारधारा में उनका आना इस बात का संकेत है कि जनता दल यूनाइटेड में आज भी पुराने लोगों का जो समाजवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं उनका इसी दल में विश्वास है, इसलिए श्याम रजक जी जेडीयू में आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू 24 में ख़त्म हो जाएगी, सरकार विपक्ष आरजेडी कह रहा है कि 24 में ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। दिन पर दिन राष्ट्रीय जनता दल से बड़े नेताओं का त्याग पत्र देकर के दूसरे दलों में जाने का सिलसिला जारी है, जिसकी एक कड़ी आज जेडीयू में श्याम रजक जी का आना का आज यह सुखद कार्यक्रम है। इसके पहले भी अशफाक करीम संसद के सदस्य के तौर पर रहते हुए लोकसभा चुनाव के दरमियान जनता दलियों में शामिल हो गए थे। उसके पहले उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बुलो मंडल जेडीयू में सदस्यता ग्रहण किया। लंबी फहरिस्त है राजद के नेताओं का जनता दलियों में आने का, चूँकि उनके पास कहने को कुछ है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल पारिवारिक लिमिटेड कंपनी की तरह संचालित होने वाली पार्टी है, तो राष्ट्रीय जनता दल अपने घर को बचाने के लिए, परिवार के लोगों को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए पारिवारिक आरक्षण कैसे बहाल हो परिवार में, इसको ध्यान में रखते हुए सारा काम करता है। तेजस्वी यादव तो धरना भी दे रहे हैं जाति गणना को लेकर, अब वो अपने पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, दलित कम्युनिटी में मैसेज देने के लिए धरना कर रहे हैं। पूरा बिहार जानता है कि बिहार में जातीय गणना कराने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया और आरक्षण का दायरा 65% बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है और उसी समय भारत सरकार को भी आरक्षण की 9वीं सूची में डालने के लिए आग्रह पत्र राज्य सरकार की ओर से लिख दिया है। अब उनको तो भाई चूँकि बताने के लिए, कहने के लिए कुछ करना है, तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल आज धरना दे रही है। धरना तो दे रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि जो नेता जा रहे हैं वो लोग टिकट के लिए जा रहे हैं। 25 की लड़ाई तो अभी आगे है, 25 में आप लोग खत्म होइएगा, वो लोग नहीं खत्म हो। मैंने तो बता दिया कि उनके यहाँ लगातार उनके दल से छोड़ करके लोग जा रहे हैं और पुनः 25 में जनता दल यू के नेतृत्व में NDA की बिहार में सरकार बनेगी, जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अभी भी आप लोग के पास मैसेज आ रहे हैं और लोग भी आना चाहते हैं आप लोग के पास? लाइन लगी हुई है राजद से आने वाले नेताओं का जनता दल यू में। अभी एक तरीके से झांकी है श्याम रजक, एकदम झांकी है। अभी देखिए ना विधानसभा चुनाव आते आते तक कितने लोग जनता दल यू में आते हैं राजद के, उनके यहाँ और उनके नेतृत्व से जो तेजस्वी यादव का बौना नेतृत्व है उस बौने नेतृत्व से वहाँ कोई रहना नहीं चाह रहा है और इस तरह के नेता से, इस तरह के लॉबी से वो घिर चुके हैं कि जो बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल में है वहाँ अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं साफ साफ इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का जो बौना नेतृत्व है उनसे वहाँ के योग आरजेडी के लोग अपने आप में घुटन महसूस कर रहे हैं। अभी तो ये झांकी है, यूँ कहे कि श्याम रजक आज आ रही है, ये तो झांकी है। 25 चुनाव आने दीजिए, एक एक करके तमाम नेताओं की लाइन लगी हुई है जदयू में आने के लिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या 25 चुनाव से पहले तेजस्वी यादव सब कुछ संभाल लेते हैं या एक एक करके जो नेता है उनके उनसे छिटकेंगे। 25 चुनाव से पहले क्या आरजेडी में एक बड़ी टूट होगी, जदयू के नेता ने साफ साफ कह दी। अब देखना यह भी होगा कि क्या जदयू में टूट होती है या आरजेडी में टूट होती है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।